माया नगरी मुंबई में भी दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश के बाद जलभराव ने मुंबई कर की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मुंबई के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी भरने के बाद सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने चिंता बढ़ाने वाली भविष्यवाणी की है। IMD ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज मुंबई के लिए भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। मुंबई में पिछले 12 घंटे में हुई बारिश की बात करें तो दहीसर में 168 मिलीमीटर बारिश हुई, बोरीफली में 166 मिलीमीटर, कांदीफली में 139 मिलीमीटर, चिंचोली में 104 मिलीमीटर, वर्सोवा में 81 मिलीमीटर और अंधेरी में 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद कुर्ला, चेंबूर, अंधेरी और चर्च गेट पर जबरदस्त पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। गाड़ियां तक पानी में डूब गई हैं। शहर में सायन और माटुंगा के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। लोकल ट्रेन धीमे चल रही है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज मुंबई में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मुंबई में भारी बारिश के बाद नाला सुपारा के विजय पार्क कॉम्प्लेक्स में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया। देखिए हमारे संवाददाता राजीव सिंह की यह रिपोर्ट। नाला सुपारा इलाके के ही विजय पार्क कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आपको सोसाइटी के अंदर किस तरह से पानी भरा हुआ है, लगभग 4 फीट। आप सोचिए, महज सोसाइटी के गेट से मैं 5 मीटर ही नीचे उतरा हूं और आप देखिए मेरे घुटने के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। लेकिन अगर हम यहां पर और आगे बढ़ेंगे तो ये पानी जो है लगभग 4 फीट तक ऊपर गया। आप सामने देखिए एक शख्स जो है वो सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं और किस तरह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी सोसाइटी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप सामने देखिए, ये बेहद बड़ी सोसाइटी है। लगभग 12 इमारतें जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं और लगभग हजारों परिवार रहते हैं और उन सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामने आप देखिए एक मोटरसाइकिल जो आधे से ज़्यादा पानी में डूब गई है। सामने साइकिल खड़ी है दीवार के किनारे, साइकिल जो है पूरी तरह से डूब गई है। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं, किस तरह की परेशानी आप लोगों को होती इतना पानी में? यहाँ पे सर हर वक्त रहता है ऐसा, एक्चुअली हर साल का हो गया ये। तो इतने पानी में किस तरह से निकलते हैं आप लोग? ऐसी रोज का हो गया अभी तो आना जाना। बच्चों वगैरह स्कूल कैसे जाते हैं? महिलाएं कैसे निकलती? जाते ही नहीं है कोई स्कूल।